Morning students, today we are going to revise our chapter creepy crawly and flyers. Okay, so ऐसे animals जो या तो क्या करते हैं, creepy करते हैं, crawly करते हैं, या फिर flies होते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, fly करते हैं. Okay, so इस type के animals कौन कौन से हो गए अपने, like mosquito जो अपना blood suck करता है, वो क्या करता है, fly करता है. ऐसे insect जो या तो fly करते हैं या crawl करते हैं, तो इस type के insect के बारे में अपन study करेंगे, like honeybees. ठीक है, जो इंसेक्ट है इट मीन्स अपन जानते हैं कि इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, अपनी अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा अगर कोई स्पीसीज है तो वो क्या है, इंसेक्ट है. ठीक है, देन हनी बीज एंड कॉकरोच ये क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं. ठीक है, और ये अपना जो फूड होता है, लाइक स्पेशली जो हाउस फ्लाइज होती है वो क्या करती है, जो फूड होता है अपना उसको स्पॉइल कर देते हैं. ठीक है, एंड नाउ एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट. ठीक है, और जो इंसेक्ट होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं. किस बेसिस पे, जैसे कौन कौन से इंसेक्ट है वो लैंड पे रहते हैं, कौन से मतलब वाटर में रहते हैं. ठीक है, इस टाइप से मतलब वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, आपको पता है इंसेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो ये काफ़ी सारी जगह होती है जहाँ पे ये रहते हैं. ठीक है, कुछ प्लांट्स पे रहते हैं, कुछ ग्राउंड पे रहते हैं, कुछ लैंड पे, कुछ वाटर में, कुछ माउंटेनियर्स होते हैं, डेजर्ट में भी रहने वाले होते हैं. ठीक है, लाइक आंट्स, बीज, बटरफ्लाइज, कॉकरोच, ग्रास होपर, ये सारे क्या हैं, इंसेक्ट हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट. इसके अलावा अपन देखेंगे कि जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी जो है वो मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड है. सो लैग्स होते हैं उसके, जैसे कि अपन जानते हैं 6 लैग्स होते हैं इसमें. ठीक है, क्लाउज होते हैं, विंग्स होते हैं इनको फ्लाई करने के लिए. ठीक है, एंड फ्लाइटलेस इंसेक्ट जिनको आप बोल सकते हो. ठीक है, एंड ये इंसेक्ट जो हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, मतलब इनका जो ऊपर की जो लेयर होती है, जो स्केल्टन होता है जिसको आप एक्सोस्केल्टन बोलते हैं, वो मतलब टूटता रहता है और उसकी जगह पे दूसरा आउटर स्केल्टन बनता रहता है. और उस इस टाइप से जो एक्सोस्केल्टन है उसका टूटकर फिर दूसरा स्केल्टन बनना, क्या मतलब ये जो प्रोसेस होती है, कैसे प्रोसेस होती है, मॉल्टिंग की प्रोसेस होती है. तो ये प्रोसेस है इंसेक्ट में चलती रहती है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज हाउ डू इंसेक्ट ब्रीथ. ठीक है, तो इंसेक्ट जो है वो ब्रीथिंग कैसे करते हैं, तो सो दैट आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्या एयर हॉल्स होते हैं. तो इंसेक्ट में इस टाइप से हॉल्स होते हैं और ये जो हॉल्स होते हैं ये फिर यहाँ से एयर क्या करती है, इनकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, तो इस टाइप से इनकी ब्रीथिंग भी हो जाती है. नेक्स्ट वी हैव इज फूड फॉर इंसेक्ट. ये जो इंसेक्ट हैं ये किस टाइप से फूड है वो कंज्यूम करते हैं. सो दैट इसमें अपन ने देखा था बटरफ्लाई क्या करती है, ये जो फ्लावर्स होते हैं उनका नेक्टर शक करती है. बीज भी क्या करती है, फ्लावर्स का नेक्टर शक करती है. और जो ग्रास ऑफर होता है वो प्लांट की लीव्स को खाता है. ठीक है, इसी टाइप से जो बग होता है वो भी क्या करता है, प्लांट की लीव्स को खाता है. ठीक है, एंड नाउ जैसे ड्रैगन फ्लाई है ये इंसेक्ट को करता है, ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, इंसेक्ट को ईट करता है. ठीक है, और जो लैडी बग होते हैं मतलब प्लांट की जो ट्रीज मतलब लीव्स होती हैं उस पर जो भी इंसेक्ट इसको मिलते हैं उनको ये कंज्यूम करता है. इसी टाइप से जो टर्माइट्स होते हैं वो बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट को कंज्यूम करता है. और जो मॉस्किटो होता है वो ह्यूमन बींग्स के ब्लड को शक करता है. ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप के अपने जो एनिमल्स हो गए उनका फीडिंग मतलब ये कैसे फूड लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज ऑल इंसेक्ट ले एग्स. जितने भी इंसेक्ट हैं वो सारे क्या करते हैं, एग्स देते हैं. ठीक है, और फिर एग से क्या करते हैं मतलब कुछ टाइम बाद में एग से क्या निकलते हैं, इनके बेबीज निकलते हैं और फिर वे एडल्ट बन जाते हैं. ठीक है, एंड नाउ इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई ले एग्स ऑन लीव्स. जैसे इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई है ये अपने एग्स किस पे देते हैं, लीव्स पे, प्लांट की जो लीव्स होते हैं उस पे. व्हाइल सम इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो ले एग्स द वाटर सरफेस. ठीक है, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं लाइक मॉस्किटो, जैसे मॉस्किटो है तो ये इंसेक्ट क्या करते हैं, वाटर का जो सरफेस होता है उस पर क्या करते हैं, अपने एग्स देते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. नेक्स्ट वी हैव इज एज यू कैन सी हियर जो लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई का उसमें क्या होता है, जो एडल्ट बटरफ्लाई होती है वो अपने एग देती है प्लांट की लीव्स पे. इस लीव से फिर क्या निकलता है, कैटरपिलर निकलता है. कैटरपिलर फिर क्या करता है, अपने चारों ओर एक मतलब कवर बना लेता है. उस कवर को हम क्या कहेंगे, प्यूपा स्टेज. प्यूपा स्टेज जब ब्रस्ट हो जाता है आफ्टर सम टाइम. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसमें से एडल्ट बटरफ्लाई निकलता है. ये एडल्ट बटरफ्लाई फिर से एग देता है और इस टाइप से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है. नेक्स्ट वी हैव इज सोशल इंसेक्ट. सोशल इंसेक्ट कौन कौन से हो गए अपने,
कुछ इंसेक्ट जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, उन इंसेक्ट को हम क्या कहेंगे? सोशल इंसेक्ट। ठीक है, जैसे अपने पास में कौन कौन से हो गए, जैसे एंट्स, हनी बीज, टर्माइट्स, ये क्या है? सोशल इंसेक्ट्स के गुड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, गुड एग्जाम्पल्स हैं सोशल इंसेक्ट के। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इस अर्थ के ऊपर लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा एनिमल्स का? इंसेक्ट। ओके, एंड नाउ रेयरली कौन से इंसेक्ट मिलते हैं? स्पाइडर। ठीक है, मैनी लेग्ड इंसेक्ट है, कितने इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट के लेग्स कितने होते हैं? सिक्स। एंड जो बटरफ्लाई का लार्वा था उसको आप क्या कहोगे? कैटरपिलर। ठीक है, एंड इसी टाइम से नेक्स्ट अपने पास क्या हो गए? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो ये आप अच्छे से लर्न कर लोगे, ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट। ओके, एंड देन मैच द फॉलोइंग। इंसेक्ट जो है वो एक स्मॉल एनिमल्स होते हैं एंड दैट लिव एवरीवेयर, जो हर कहीं पे रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं। कॉकरोच, ठीक है, ये किचन का जो कॉर्नर होता है वहां छुपे हुए होते हैं। ऑल द इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? आर परफेक्ट क्रिएचर, ये परफेक्ट क्रिएचर होते हैं। थ्री पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्री पार्ट्स कौन कौन से होंगे? द हेड, द थोरेक्स एंड द एब्डोमेन। इसी टाइप से ग्रास होपर एंड बग, ग्रास होपर एंड बग जो है वो उनमें क्या हो गया? ईट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ये प्लांट्स की लीव्स को ईट करते हैं। मॉस्किटोज, ले दे एग्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर के सरफेस पे एक्स देते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो अ फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट। जैसे कि अपन ने देखा इंसेक्ट के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो नाउ यू कैन टेल दैट वॉट इज द फंक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ फीलर्स ऑन द हेड ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के हेड के ऊपर जो फीलर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? एंड हाउ डू इंसेक्ट ब्रीथ, जो इंसेक्ट होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? गिव एनी टू सिमिलरिटीज एंड टू डिफरेंसेस बिटवीन इंसेक्ट एंड बर्ड्स। ठीक है, इंसेक्ट एंड बर्ड्स जो हैं उनकी टू सिमिलरिटीज आपको बतानी है और उनमें टू डिफरेंस बताना है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, और इसके अलावा जो बटरफ्लाई है उसकी आपको लाइफ साइकिल बतानी है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। सो नाउ योर चैप्टर रिविजन इज कम्प्लीटेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।